उपमंडल निर्मंड के अंतर्गत बागीपुल जाओ मार्ग पर सड़क पर चल रही एक कार पर बीती रात पहाड़ी पर से पत्थरों के अचानक गिर जाने से 3 व्यक्ति घायल हो गए जबकि 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। डीएसपी आनी रविंद्र सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोलन जिला के 4 श्रद्धालु 10 जुलाई को श्रीखंड यात्रा पर निकले थे और वीरवार को दर्शन कर वापस लौट आए थे। वीरवार रात को श्रीखंड यात्रा से वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की कार जिसमें 4 व्यक्ति सवार थे जाओ की ओर से बागीपुल होकर निर्मंड आ रही थी। जैसे ही कार जाओ से कुछ नीचे पहुंची तो भारी बारिश के कारण अचानक पहाड़ी पर से भूस्खलन शुरू हुआ और कार पर बड़े बड़े पत्थर गिरने शुरू हो गए जिससे कार में सवार 4 व्यक्ति घायल हो गए। तभी वहां से गुजर रहे लोगों ने घटना की सूचना निर्मंड पुलिस और 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा को दी। चारों घायलों को जब सिविल अस्पताल निर्मंड पहुंचाया गया तो वहां 1 घायल को मृत घोषित कर दिया गया जबकि 3 घायलों में से 2 घायलों को रामपुर अस्पताल रेफर किया गया। मृतक की पहचान देवानंद पुत्र ओम प्रकाश निवासी गांव खिलजा फली डाकघर कुमार हट्टी जिला सोलन के रूप में हुई है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए आनी से राकेश बिन्नी शर्मा की रिपोर्ट। उपमंडल निर्मंड के अंतर्गत बागीपुल जाओ मार्ग पर सड़क पर चल रही एक कार पर बीती रात पहाड़ी पर से पत्थरों के अचानक गिर जाने से 3 व्यक्ति घायल हो गए जबकि 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। डीएसपी आनी रविंद्र सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोलन जिला के 4 श्रद्धालु 10 जुलाई को श्रीखंड यात्रा पर निकले थे और वीरवार को दर्शन कर वापस लौट आए थे। वीरवार रात को श्रीखंड यात्रा से वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की कार जिसमें 4 व्यक्ति सवार थे जाओ की ओर से बागीपुल होकर निर्मंड आ रही थी। जैसे ही कार जाओ से कुछ नीचे पहुंची तो भारी बारिश के कारण अचानक पहाड़ी पर से भूस्खलन शुरू हुआ और कार पर बड़े बड़े पत्थर गिरने शुरू हो गए जिससे कार में सवार 4 व्यक्ति घायल हो गए। तभी वहां से गुजर रहे लोगों ने घटना की सूचना निर्मंड पुलिस और 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा को दी। चारों घायलों को जब सिविल अस्पताल निर्मंड पहुंचाया गया तो वहां 1 घायल को मृत घोषित कर दिया गया जबकि 3 घायलों में से 2 घायलों को रामपुर अस्पताल रेफर किया गया। मृतक की पहचान देवानंद पुत्र ओम प्रकाश निवासी गांव खिलजा फली डाकघर कुमार हट्टी जिला सोलन के रूप में हुई है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए आनी से राकेश बिन्नी शर्मा की रिपोर्ट। उपमंडल निर्मंड के अंतर्गत बागीपुल जाओ मार्ग पर सड़क पर चल रही एक कार पर बीती रात पहाड़ी पर से पत्थरों के अचानक गिर जाने से 3 व्यक्ति घायल हो गए जबकि 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। डीएसपी आनी रविंद्र सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोलन जिला के 4 श्रद्धालु 10 जुलाई को श्रीखंड यात्रा पर निकले थे और वीरवार को दर्शन कर वापस लौट आए थे। वीरवार रात को श्रीखंड यात्रा से वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की कार जिसमें 4 व्यक्ति सवार थे जाओ की ओर से बागीपुल होकर निर्मंड आ रही थी। जैसे ही कार जाओ से कुछ नीचे पहुंची तो भारी बारिश के कारण अचानक पहाड़ी पर से भूस्खलन शुरू हुआ और कार पर बड़े बड़े पत्थर गिरने शुरू हो गए जिससे कार में सवार 4 व्यक्ति घायल हो गए। तभी वहां से गुजर रहे लोगों ने घटना की सूचना निर्मंड पुलिस और 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा को दी। चारों घायलों को जब सिविल अस्पताल निर्मंड पहुंचाया गया तो वहां 1 घायल को मृत घोषित कर दिया गया जबकि 3 घायलों में से 2 घायलों को रामपुर अस्पताल रेफर किया गया। मृतक की पहचान देवानंद पुत्र ओम प्रकाश निवासी गांव खिलजा फली डाकघर कुमार हट्टी जिला सोलन के रूप में हुई है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए आनी से राकेश बिन्नी शर्मा की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।